पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आचार संहिता से पहले आनन फानन में कार्यों की झड़ी लगाई गई है। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने अपनी विधानसभा की 24 सड़कों का शिलान्यास कर दिया। शहर में कई मोहल्लों की ये सड़कें हैं। लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में इनका शिलान्यास सादगी से किया गया। 1,57,00,000 की लागत से 24 सड़कों का निर्माण होगा। विधायक रितेश गुप्ता ने सभी शिलापटों को एक साथ रखकर अफसरों की मौजूदगी में शिलान्यास किया। वार्ड 3 की पार्षद द्रोपा देवी से उन्होंने फीता कटवाया। समाज कल्याण विभाग की निर्माण इकाई से इनका निर्माण होगा। आचार संहिता इसी हफ्ते के अंत तक लगने वाली है। शनिवार तक आचार संहिता लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के चलते आनन फानन में सड़कों का शिलान्यास किया गया, जिससे इन सड़कों के निर्माण में किसी तरह की बाधा नहीं हो। विधायक रितेश गुप्ता ने बताया कि कई सड़कें थीं जिनका निर्माण जरूरी है, तमाम लोगों की समस्याएं थी। इन सड़कों से 24 स्थानों पर समस्या दूर हो जाएगी। सड़कों को आचार संहिता लागू करने से पहले शुरू करना था, इसीलिए शिलान्यास किया गया। द्रोपा देवी, हेमराज सैनी, विधायक प्रतिनिधि मोनू पंडित, सुधांशु कौशिक, विजयपाल सैनी के साथ और भी लोग मौजूद रहे। आज मुरादाबाद नगर विधानसभा में लाइन पास क्षेत्र, काशीराम योजना क्षेत्र और जयंतीपुर की क्षेत्रों में 24 सड़कों का शिलान्यास किया गया, जिनकी लागत 1,57,00,000 रुपये आई है। उन्हीं सड़कों का आज शिलान्यास हमारी पार्षद द्रोपा बहन जी के द्वारा किया गया है।